मानिराई मैम सादिया हेयर फ्रॉम चेरलाई ब्रांच एंड DHA गाजी रोड ब्रांच क्लास टू बेटा ओपन योर साइंस रीडिंग बुक ओपन पेज नंबर 19 जहाँ से हमने रीडिंग को लेफ्ट किया था वहीं से हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। पार्ट ऑफ अ प्लांट, अ प्लांट हैज़ मैनी डिफरेंट पार्ट, एक पौधे के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ हिस्से, ठीक है। What do these parts do? क्या करते हैं ये parts? Let's us find out. चलें देखें। Flower, ठीक है, ये पौधे के हिस्से हैं जैसे leaves, stem, root and flowers. Flowers, flowers are the part of some plants that become fruit and seed. These grow into new plants. Flower क्या करता है, ये पौधे का वो हिस्सा है जो के become, जो के fruit मतलब फल और सीड से बनता है। दीज ग्रो इंटू न्यू प्लांट, ये नया प्लांट उगाने में हेल्प करता है, ठीक है। लीव्स, लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट, लीव्स ऑल्सो मेक, लीव्स क्या बनते हैं प्लांट के लिए खुराक बनाते हैं। लीव ऑल्सो मेक अ गैस कॉल्ड ऑक्सीजन, ये एक गैस भी बनाते हैं जो कि ऑक्सीजन कहलाती है, जो हम इंसान को सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, वी ब्रीथ हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन के ज़रिए फ्रॉम द एयर टू कीप अस अलाइव, जो कि हमें ज़िंदा रहने में मदद करती है। रूट्स, रूट्स टेक इन वाटर फॉर द प्लांट फ्रॉम द सॉइल, ये पानी को मिट्टी से पौधे तक पहुँचाती है, ठीक है। रूट वर्क लाइक स्ट्रो टू सक अप वाटर, रूट इस तरह काम करती है जिस तरह हम एक बोतल के अंदर पाइप लगा के उसको सक करते हैं, जैसे आप कोको कोला की या सेवन अप की बोतल पीने के लिए या यानी जूस की बोतल पीने के लिए स्ट्रो डालते हैं ना और उसको सक करते हैं लाइक डैट, ठीक है। रूट क्या करती है, मिट्टी से सारे पानी को अब्जॉर्ब करके पौधे को तक पहुँचाती है। दे ऑल्सो हेल्प टू होल्ड द प्लांट फर्मली इन द ग्राउंड, और ये ऑल्सो ये मदद करती है पौधे को ज़मीन में ऐसे जकड़े रखती है कि उससे सारा पौधा ज़मीन में खड़ा रहता है, ठीक है। स्टेम, स्टेम आर द स्टैक दैट मूव वाटर एंड फूड थ्रू द प्लांट टू द लीव, ये तना, तना, ये तना ग्रीन कलर का, ठीक है, ये ऐसा है कि जो कि वाटर को और खुराक को पौधे के तमाम हिस्सों तक पहुँचाता है। स्टेम ऑल्सो सपोर्ट द पार्ट ऑफ अ प्लांट, ये ऑल्सो जो है प्लांट के पार्ट को सपोर्ट करता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 20। ऑल दो मैनी प्लांट्स हैव फ्लावर, हत्ता के बहुत से प्लांट्स के पास फ्लावर होते हैं, नॉट ऑल ऑफ देम डू फ्लावर्स, लेकिन सबके पास नहीं होते, ठीक है। फ्लावर्स आर ऑफ मैनी डिफरेंट कलर, फूल मुख्तलिफ रंगों के होते हैं, शेप्स के एंड साइज़ेस। सम फ्लावर्स आर यूज फॉर डेकोरेशन, कुछ फ्लावर डेकोरेशन के लिए यूज़ होते हैं। बेटा जैसे आपने रोज़ देखे होंगे मैरिज सेरेमनी में रोज़ेस जो है वो डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा आपने वाइट मोतियाँ भी देखा होगा, ठीक है, मतलब डिफरेंट डेकोरेशन के लिए, इंटीरियर डेकोरेशन में भी इस्तेमाल होते हैं और बर्थडे पार्टीज़ में भी। वाइल्ड सम आर यूज फॉर मेकिंग मेडिसन, सम फ्लावर ग्रो इन टू फ्रूट्स, ठीक है, कुछ जो है वो मेडिसन में यूज़ होते हैं फ्लावर और कुछ फल के लिए, ठीक है। फ्रूट सच एज स्ट्रॉबेरीज एप्पल एंड एप्रिकॉट ऑल ग्रो फ्रॉम फ्लावर्स, ये सारे फ्रूट फ्लावर से मिलते हैं, स्ट्रॉबेरी हो गया, एप्पल हो गया, एप्रिकॉट, ऑल फ्रूट कम्स फ्रॉम फ्लावर, बट नॉट ऑल फ्रूट्स बिकम फ्रॉम फ्रूट, ठीक है, बट नॉट ऑल फ्लावर बिकम फ्रूट। वो कहता है हमें फूलों से फल हासिल होते हैं लेकिन सारे फूलों से हमें फल हासिल नहीं होते, ठीक है, जैसे रोजेज से फल नहीं मिलते। फ्रूट्स हैव सीड दैट कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, फल में ऐसा बीज होता है जिससे हम एक नया प्लांट उगा सकते हैं। हेयर आर सम फ्रूट, हैव यू टेस्टेड एनी ऑफ देम, क्या आपने इनको चखा है। बेटा नेक्स्ट रीडिंग इंशाल्लाह हम नेक्स्ट कल करेंगे, ठीक है, ओके, टेक केयर, अल्लाह।